और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बताएं, गुजरात के बाद तूफानी हवाएं राजस्थान भी पहुंच गई है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। तूफान बिपरजॉय की वजह से बाड़मेर में भारी बारिश लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी तक भी भर गया है। वहीं तूफान की वजह से कई पेड़ गिर चुके हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। बाड़मेर में 5,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तूफान की वजह से बाड़मेर जालौर में अगले कुछ घंटे के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बाड़मेर से आने जाने वाली सभी ट्रेनों को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। तो वहीं तेल रिफाइनरी में 2 दिन के लिए काम बंद हो चुका है। तूफान को देखते हुए जैसलमेर से 450 लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो वहीं जोधपुर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा आपको बताएं, कोचिंग, जिम, पर्यटन स्थल 2 दिनों के लिए अब बंद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। पहले गुजरात में बिपरजॉय का असर देखने को मिला और अब इसका प्रवेश राजस्थान में भी हो चुका है। हालांकि इसको लेकर तैयारी वहां पर पूरी है। इससे पहले भी जो सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने भी इसको लेकर गंभीरता जाहिर की थी, मीटिंग ली थी और इसी का नतीजा है कि जो इलाके ज्यादा प्रभावित है वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है और लगातार किया भी जा रहा है। बाड़मेर की अगर बात करें तो भारी पानी यहाँ पर देखिए सड़कों पर कैसे भर गया है। जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वो बाड़मेर की है। लोगों का चलना यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। अब ऐसे में वो लोग सोचिए जो आसपास घर रहे होंगे, इसीलिए उन्हें समय रहते पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। अब बड़ी खबर ये है कि तूफान का खतरा अभी भी राजस्थान में टला नहीं है। तूफान का खतरा, तूफान की आंच है वो राजस्थान तक भी पहुंच चुकी है। मैं सीधा रुक कर रही हूँ, मेरे सहयोगी भवानी राजस्थान से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भवानी, गुजरात में खतरनाक असर हमने इस बिपरजॉय का देख लिया, हालांकि राजस्थान में तैयारियां पहले से की गई थी, दावा किया गया, जमीनी स्तर पर इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, कैसे लोगों को परेशानी वहां पर हो रही है और क्या इंतजाम? भवानी देखिए लवीना, राजस्थान में बाड़मेर समेत 5 जिलों के अंदर रात भर से बारिश हो रही है। खासतौर पर बाड़मेर के अंदर बिपरजॉय का जो असर है चक्रवर्ती तूफान का, वो आप देखिए कि तस्वीर से आप देखिए कि दर्शक न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देखेंगे, आप देखिए कि तेज हवा चल रही है। मेरे पीछे जो पेड़ है आप देखिए कि स्पीड कितनी, तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मानी जा रही है। और सामने की तरफ पीछे आप देखेंगे जहाँ तक वहाँ पर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश हालांकि बहुत तेज़ नहीं है, कभी तेज़ होती है, कभी धीरे होती है, लेकिन बारिश का सिलसिला पूरी रात भर से लगातार जारी है बाड़मेर में। ये बाड़मेर का वही इलाका है जहां से गुजरात से जो कच्छ के रन से जो तूफान है वो यहां पर एंटर हुआ राजस्थान में। और उसके बाद में आप देखिए कि यहां पर रात भर से बाड़मेर के अलावा जो रूरल एरिया है वहाँ पर कुछ जगहों पर जो सेडवा का इलाका है जो वहाँ पर कुछ किनशेड गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं, बिजली के पोल गिरे हैं, कुछ नुकसान भी हुआ हुआ है। तो जो इलाका है लगातार अब तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और बाड़मेर के अंदर अब ये जो बारिश अब फिर तेज होने लग गई है। तो जो बारिश धीरे तेज हो रही है, जो आज का ठीक है जो अलर्ट है मौसम, आप भी बने रहिए हमारे साथ, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। न्यूज 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पहले गुजरात की तस्वीर दिखाई और अब राजस्थान की तस्वीर मेरे सहयोगी भवानी वहां से दिखा रहे थे। देखिए खास तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर के कुछ इलाके हैं जिसमें जालौर भी उसके बाद एक जिला शामिल है, ये वो तमाम मारवाड़ के इलाके हैं जो अभी बताया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। क्योंकि कच्छ से ये जो मारवाड़ में ये प्रवेश हुआ है महातूफान बिपरजॉय, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताएं, तस्वीरें ये बयां कर रही है कि बड़े बड़े पेड़ भी, आप रफ्तार को समझिए, बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ पर उखड़ चुके हैं। बिजली जरूर कई सारे ऐसे गाँव है जहां पर प्रभावित हुई है, लेकिन इन सबके बीच में जो लोग हैं उनको बचाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार मुस्तैद जरूर है, यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन में है। जो लोग जो घर आसपास है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि जो लोग हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस तस्वीर में भी बयां हो रहा है कि कैसे बारिश लगातार हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही और पानी जो है वो घुटनों तक भर चुका है, यानी कि बाहर भी नहीं निकल सकते और उसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। भवानी का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। भवानी, मारवाड़ में एंटर हो चुका है ये तूफान, क्या और तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए अब ये बारिश का सिलसिला वो लगातार जारी है और अभी हवाएं जो काफी धीरे कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है। और ये जो ड्रिजलिंग है, आज जो संभावनाएं जो जताई जा रही है कि ये जो तूफान है वो लगभग बाड़मेर शहर के अंदर लगभग एंटर कर चुका है, लेकिन अब जो अगर हवा की स्पीड बढ़ती है तो जाहिर तौर पर नुकसान हो सकता है।
कुछ मुश्किल यहाँ पर आ रही है, लोगों को खड़े होने में कुछ दिक्कत आ रही है। हवा की स्पीड कई जगह तेज है, हम भी जब खड़े हो रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। हवा का वेग है वो लगातार थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, जो पीछे की ओर धकेलता है। और इसीलिए तकरीबन बाड़मेर का इलाका है जहाँ पर तकरीबन 135 परिवारों को शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पे, और जो जल भराव वाले इलाके, क्योंकि तूफान के साथ में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है बाड़मेर के अंदर भारी बारिश से जल भराव का, बाढ़ का खतरा, इसलिए उन जो जल भराव वाले इलाके कई जगह से खाली कराया गया। और बाड़मेर शहर के अंदर यहाँ पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है, और कहा गया लोगों को कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही हो, अगर पानी भर रहा हो तो वो शिफ्ट करें। बाड़मेर में कल भी जो एक इलाका निचला इलाका वहाँ पर पानी भर गया था, काफ़ी देर तक तकरीबन 4 फीट तक पानी आ गया था। तो इस वजह से जो ये खतरा अभी बना हुआ, और आज बाड़मेर के अलावा जो सिरोही है, जालौर है, जोधपुर का इलाका और जो पाली का इलाका, वहाँ पर ये खतरा ज़्यादा, इसलिए बाड़मेर से कनेक्ट होने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। बाड़मेर में जो 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 इंडस्ट्रीज है उनको कहा गया कि 2 दिन के लिए वो काम बंद रखे, मजदूरों की छुट्टियां कर दी गई है, और लोगों से अपील की गई है कि वो आज के दिन घर से बाहर न निकले जब तक कि बहुत इमरजेंसी न हो, ये अलर्ट किया गया लोगों को। और इसके अलावा जो SDRF और NDRF की टीमें वो अलर्ट कर दी गई है अलग अलग कुछ इलाकों के अंदर, पॉकेट्स के अंदर, जहाँ पर वो ये नज़र रखा जा रहा है कि अगर कहीं नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो, कहीं दोनों तरह के खतरे, तूफान की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जो पोल गिर रहे हैं, जो पेड़ गिर रहे हैं, वहाँ से वो खतरा ज़्यादा नहीं हो, इसलिए सावधानी, काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है और टीमें इस वक्त अलर्ट है। और जैसे जैसे ये बारिश की रफ्तार, अब देखिए कि कुछ देर पहले कम थी लेकिन अब बारिश की तेज़ होती जा रही है लगातार, और हवा की स्पीड वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार आपको बताएं कि हवा की जो स्पीड है वो लगातार धीरे 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 बढ़ती जा रही है। और कुछ जगह पर आप देखिए कि इस साइड में आपको कुछ झंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर अभी कुछ गिरते हुए नजर आए थे, तो अब ये जो स्पीड है लगातार हवा की, तो ये कितनी रहती है, जो मौसम विभाग ने अभी 6 बजे अलर्ट जारी किया उसमें ये बताया गया है कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ जगह पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हवा की रह सकती है इस चक्रवर्ती तूफान की रफ्तार। तो ये कितनी आगे बढ़ती है, कितनी रफ्तार रहती है, इस पर निर्भर करेगा कि कोई नुकसान, कोई बड़ा नुकसान तो न हो, इसकी कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी जो कोशिश है इस वक्त प्रशासन की है, राजस्थान सरकार की है, वो ये है कि किसी तरीके के जान माल की हानि नहीं हो, उससे बचाया जाए। इसलिए रात भर से जो अलग अलग इलाकों के अंदर टीमें गश्त भी कर रही है इस वक्त। अब देखिए कि ट्रैफिक भी चल रहा है इस वक्त, और यहाँ पर इसके अलावा अब क्योंकि जो तूफान का जो अलर्ट है वो इसके अलावा तकरीबन 9 जिलों के अंदर और बढ़ा दिया गया, यानी कि बाड़मेर से लेकर जोधपुर और जोधपुर के आगे का इलाका है, जो अजमेर तक का इलाका, वहाँ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, और वहाँ पर भी तैयार रहने के लिए क्या कहा गया है। ज्यादा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है भवानी कि अभी बाड़मेर जैसलमेर में स्थिति हम देख रहे हैं, और आगे बढ़ता हुआ अगर अजमेर और जयपुर तक भी चला जाता है, यानी कि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो सकती है। भवानी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।